हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सुमन किचन में आप सभी का। आज हम सीखने वाले हैं घर पे नूडल्स बनाना। तो चलिए देखते हैं, मार्केट में बहुत तरीके के नूडल्स मिलते हैं, लेकिन आज हम घर पे बनाएंगे और बहुत इजी तरीके से बनाना बताऊंगी। तो देख लेते हैं कि कैसे बनाएंगे नूडल्स को। नूडल्स के लिए हमें चाहिए एक कटोरी मैदा, घी 2 टेबल स्पून, नमक। उसके बाद से हम एक बाउल लेंगे। बाउल के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे मैदा। उसके बाद से इसमें हम थोड़ा सा 2 पिंच नमक डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से नमक डालें। 1 चम्मच हम घी या तेल डालेंगे। इसे अच्छा से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम पानी थोड़ा थोड़ा डालकर इसका एक सख्त डो लगाएंगे। पानी ध्यान रहे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डालना है। इस तरीके से हमें डो को तैयार करना है। हमें हाथों से मसलते हुए अच्छा से डो को सॉफ्ट गूथ लेना है। ध्यान रहे सॉफ्ट के साथ साथ आटा का डो जो है वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए। तो इस तरीके से मसलते हुए हमने डो को रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसे थोड़ा सा हम इस तरीके से बॉल सा बना लेंगे और इसे हम 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। चलिए 20 मिनट हो चुका है, चेक कर लेते हैं आटा को। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट आटा सेट हो चुका है, ये देखिए। अब इसे हम चॉपिंग बोर्ड पे या किचन स्लैब पे लेकर 2 टुकड़े में डिवाइड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं 2 भाग में हमने डिवाइड कर लिया है। 1 भाग को हम ढक कर रख देंगे और दूसरे भाग को हम एक रोटी के जैसे इसको बेल लेंगे। इस तरीके से नूडल्स का सीट हमें तैयार कर लेना है। ध्यान रहे यहाँ पे रोटी जितना पतला नहीं चाहिए, थोड़ा सा रोटी से हमें मोटा चाहिए। तो इस तरीके से हम मैदा लगाते हुए इसका सीट तैयार कर चुके हैं। आप जितना लंबा इसे बेलेंगे उतना ही नूडल्स आपके लंबे बनेंगे। तो यहाँ पे इसे तैयार हो चुका है। अब इस पे हम ऊपर से चारों तरफ मैदा से कोट कर देंगे। उसके बाद इस तरीके से हमें मोड़ लेना है और फिर ऊपर से मैदा लगा देना है। दोनों साइड से हम फोल्ड कर लेंगे और मैदा लगाते हुए हमें फोल्ड करना है। हर फोल्ड पे हमें मैदा लगाना है। तो ये देख सकते हैं दोनों साइड से हमने फोल्ड कर लिया है। अब इसे हमें कट करना है। सबसे पहले हम किनारी निकाल देंगे दोनों साइड से, इसका शेप अच्छा हो जाए इसके लिए। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड से कट कर लिया है मैंने। अब इसे जितना पतला आप कट कर सकते हैं उतना पतला एक चाकू के हेल्प से कट कर लीजिए। तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल पतले पतले पीसेज में हमने कट कर लिया है इसे। चलिए इसे खोल लेती हूँ। इस तरीके से हाथों से फैलाते हुए इस तरीके से हमें खोल लेना है। तो ये नूडल्स बनके बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से आप इसे पानी में उबालें जैसे मार्केट का नूडल्स उबालते हैं और इसे तुरंत बना सकते हैं, या बाद में आपको बनाना है तो इसे सुखा कर रख दीजिए और जब आपका मन हो तब इसे बनाकर खा सकते हैं। तो है ना कितना आसान। तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।